लोग ऐसे बात करते हो आप सभी को और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम बात करने वाले हो वन प्लस नाइन आर टी स्मार्टफोन के बारे में, पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हो। एंड इवन ये स्मार्टफोन बहुत दिनों के बाद अब इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। जो वन प्लस नाइन आर टी स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ कैसे ओवरऑल ये स्मार्टफोन कैसे होने वाले, एंड ये स्मार्टफोन का इंडियन प्राइस क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज रायन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद वन प्लस नाइन आर टी स्मार्टफोन। सो हे गाइस, चलिए आज किस वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले गाइस चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबाना, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। सो हे गाइस, चलिए आज किस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, वन प्लस नाइन आर टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली गाइस ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर सबसे पहले लॉन्च हो चुका था, एंड आउट ऑफ चाइना के अंदर काफी जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इवन 14 जनवरी इंडिया के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, ऑब्वियसली गाइस रियर साइड की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर स्क्वायर कटआउट के अंदर अलाइन शेप में ट्रिपल रियर कैमरा के सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर आपको एलईडी फ्लैश का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ आपको वन प्लस की ब्रांडिंग लोगो भी देखने के लिए मिलेगा, एज वेल एज यहां पर आपको मैट फिनिशिंग के साथ साथ गाइस एक स्पेशल वेरिएंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि है स्पेशल विंटर वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको एल्युमिनियम का भी फ्रेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एज वेल एज गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आपको टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर के अंदर पंच होल कटआउट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको पतली पतली सी चेन्स एंड पतली पतली सी बेजल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। बोथ साइड के अंदर आपको कॉर्निंग ग्लू गाइस स्पाइक का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। एज वेल एज गाइस अगर मैं बात करूं बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस बिल्ड एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, इसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसी साथ गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा 6.62 इंच का फुल एचडी प्लस सैमसंग E4 फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ गाइस यहां पर आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो टच सैंपलिंग रेट आपको देखने के लिए मिलेगा वो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज यहां पर आपको 600 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से कतई जबरदस्त आप बोल सकते हो। इसके साथ गाइस यहां पर 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने के लिए मिलेगा, 495 का पिक्सल पर इंच डेंसिटी देखने के लिए मिलेगा, अप टू 1300 निट का पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी यहां पर जो डिस्प्ले आपको होने वाले कतई नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा। एज वेल एज गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की रैम एंड रोम के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आपको LPDDR5 का रैम सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको UFX 3.1 के स्टोरेज टाइप भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड यहां पर आपको इंडिया के अंदर को 3 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली यहां पर आपको 8GB की रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ बेस वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको 8GB की रैम एंड 256GB एंड 12GB की रैम एंड 256GB का हायर वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन यहां पर आपको कोई भी एक्सपेंडेबल SD कार्ड का स्लॉट नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको ड्यूल नैनो कोटिंग 5G सिम कार्ड का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर्स के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर जो प्रोसेसर्स आपको देखने के लिए मिलेगा वो गाइस क्वालकॉम की तरफ से बिल्ड किया गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एक 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना हुआ है। इवन यहां पर जो अंतिम स्कोर है वो अप टू 6 लाख अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस ये प्रोसेसर थोड़ा सा हीटिंग होते हैं गाइस, यहां पर हीटिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा जो कि है VC कूलिंग सिस्टम, यानी वेपर चेंबिंग कूलिंग सिस्टम यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके होते हुए गाइस यहां पर जो हीटिंग रेशियो काफी ज्यादा कम आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड एनर्जी एफिशिएंसी काफी ज्यादा कम हल्के आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के GPU के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आपको Adreno 660 का GPU आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी यहां पर जो गेमिंग ग्राफिक्स है या फिर जो परफॉर्मेंस लेवल है नेक्स्ट लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। एज वेल एज गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस ट्रिपल रियर AI कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ गाइस यहां पर को सोनी IMX766 का सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कहीं ना कहीं की वीडियो रिकॉर्डिंग है वो गाइस 120 FPS पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ गाइस यहां पर को 16 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल के मोनोक्रोम या फिर मैक्रो लेंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर को 16 मेगापिक्सल के फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। 1080p रेजोल्यूशन के साथ 30 FPS पर मैक्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर को इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स आप बोल सकते हो। साथ ही साथ गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको ऑक्सीजन ओएस 12 का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हां दोस्तों, यहां पर कोई भी घबराने का बात नहीं है, बिकॉज यहां पर आपको कलर ओएस 12 का सपोर्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूं सेंसर्स की, तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आपको इधर उधर चुटर पुटर सारे के सारे सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड यहां पर आपको 3.5mm हेडफोन जैक नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गाइस उसको कमियों को पूरा करने के लिए गाइस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एंड उसी के साथ गाइस यहां पर आपको USB टाइप सी पोर्ट के साथ NFC का भी सपोर्ट है, एंड अलर्ट स्लाइडर का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बात
करूँ इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की बारे में, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर आपको 4500 एमएएच का बढ़िया सा मैसिव बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए रिचार्जेबल आउट ऑफ द बॉक्स 65 वाट की वार्प चार्जर की सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस यही थी वन प्लस 9 RT स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी। एंड अगर मैं बात करूँ इसे स्मार्टफोन की इंडियन वर्ल्ड की लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में, ऑब्वियसली गाइस ये स्मार्टफोन 14 January ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले। एंड उसी के साथ गाइस अगर मैं बात करूँ इसे स्मार्टफोन के 8GB के रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज के प्राइस के बारे में, वो अप टू 40,000 के अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी 40,000 के करीब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आई होप यू वीडियो सभी को पसंद आएगी, वीडियो चलेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो हे गाइस चलिए मिलते हैं अपने साथ, तब तक के लिए सही सलामत रहे।